तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। एक दिन यार मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें बताया गया था कि इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस 0% है, लेकिन जिस तरह के आसार हैं, लग रहा है इंडियन यूट्यूब चैनल स्पाइडर अरिना रिसेशन में ना जाए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी चैनल को सब्सक्राइब करके। आज 12.7 के कम्प्लीट करो यार, ताकि हम इस मंथ के एंड तक 13 के कम्प्लीट कर सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आ रही है गॉडलाइक के नए नवेले बूटकैंप से, जहां बैठ के ताहिर ने ऐसा बोला कि उसे पता है कि गेम कब वापस आ रहा है। तो गाइस, मेरे को श्योर तो नहीं हूं, पर ऐसा सुनने में आया है कि फ्री फायर कब आ रहा है वापस। मैं आपको बताऊंगा, बट आपको पहले 2000 की वॉचिंग टच करनी होगी। 2000 की वॉचिंग जैसे ही टच करोगे आप, मैं आपको डेट बता दूंगा। पूरा श्योर नहीं हूँ, पर मोस्टली लाइक 80%। मुझे भी पता है कि गेम कब वापस आ रहा है। जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर्स कर दो, तभी डेट बताऊंगा। सह लेंगे थोड़ा सा। एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है गेमिंग बॉस को। अगली अपडेट है रूटर स्ट्रीमर्स ब्रोल से। तो डे 4 के बाद टॉप पर है टोटल गेमिंग, सेकंड पे यूजी एम्पायर एंड थर्ड पोजिशन पे है SBG। और कलावास्ती पहाड़ी की सबने सही पहचाना था, वेरी गुड। अब जरा आज की आवाज गेस करो। मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरा पुणे में फोटो लैब है। पबजी खेलते खेलते थोड़ा मतलब ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है, होता है काम पे, बट स्टिल कर लेता हूँ। यार कम से कम 1000 लोग तो बताया करो और लाइक कर दो। आज का लाइक टारगेट है 3.5 के लाइक्स। अगली अपडेट है हमारे BGMI और फ्री फायर बैन के रिगार्डिंग। तो फ्री फायर बैन हुआ था अराउंड फेब में, और अब तक FF प्लेयर शांत हो चुके थे, बट जैसे ही BGMI की न्यूज सुनी, उनका दुख भी बाहर आ गया। अब तुम्हें एज अ प्लेयर दुख लगा कि हमारा प्यारा गेम चला गया, लेकिन मेरा तो धंधा ही चौपट होने की कगार पे है। अगर ये गेम वापस नहीं आता तो धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स ऑडियंस कम होती जाएगी और वीडियो की रीच भी। लेकिन यार कुछ बातें हमें एज अ इंडियन समझनी चाहिए। और किसी कंट्री का कोई देख रहा है तो स्किप करके आगे जा सकता है। और हाँ यार, ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। BGMI बैन के बाद जगह जगह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ लोग गेम में भी BJP और कांग्रेस की राजनीति करने लगे हैं, लेकिन जो पावर में होता है वो इंडियन गवर्नमेंट होती है, कौन सी पार्टी है ये मैटर नहीं करता। और यार तुम्हें क्या लगता है, मोदी जी ने फोन किया होगा वैष्णव जी को कि यार BGMI बंद कर दो, और उन्होंने वहां से तार काट दिया, बिजली का कनेक्शन तोड़िए, जो बिल नहीं भरा तो काट दिया। देखो यार, सरकार का क्या है, हर 5 साल में बदल जाती है, 5 में नहीं तो 10 में बदल जाती है जनरली, पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखें तो। पर जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री में लोग काम करते हैं, वो ऐसे नहीं बदलते 5 साल में, उनकी जॉब होती है परमानेंट। तो क्या करना है, कैसे करना है, उसकी सारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी तक रहती है। फाइनल डिसीजन या फाइनल साइन मिनिस्टर करता जनरली। अगर कांग्रेस जीत के पावर में होती तो मीटी सेक्रेटरी सेम चीज आगे पास ऑन करते, और ऐसा नहीं होता कि जो आया है वो मिनिस्टर रिजेक्ट करते जाते। कहोगे कि मतलब सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज करे गेम बैन के लिए, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि उनका काम ही है कॉन्स्टेंटली चीजें मॉनिटर करना और शक होने पर भी एक्शन लेना। अब यार मेरे पास एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है कि क्यों बैन हुई है एप्स, पर 90% चांसेस है डाटा रिलेटेड इशू। और यार डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डाटा से महंगा आजकल कुछ भी नहीं है। आपकी कंट्री का डाटा राइवल कंट्री के हाथ में लग गया तो आधी जंग तो आप वैसे ही हार गए। इंडिया पे राउंड द क्लॉक 2 फ्रंट वार का खतरा मंडराता रहता है। पाकिस्तान और चाइना अगर आपके पड़ोसी हैं तो नॉर्मल है। अब तुम कहोगे कि पागल है क्या, हम गेम खेल रहे हैं तो उसके डाटा से चाइना कौन सी जंग जीतने वाला है। देखो, डाटा तुम्हारी अच्छी बुरी चीज जानने के लिए, तुम्हें कैसा इन्फ्लुएंस किया जाए ये जानने में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। और हो सकता है कि चाइना एक साइड से वार स्टार्ट करे और दूसरी तरफ किसी डेवलपर को बोल के अपडेट पुश करा दे ऐप में। और ये अपडेट अगर ऐसा होगी तुम्हें करना ही है गेम खेलने के लिए, तुम तो फटाक से कर लोगे, बट उस अपडेट में तुम्हें इस बात के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वार स्टार्ट की है, वो लोग टैक्स पेयर का पैसा वार में बर्बाद कर रहे हैं। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी चीजें हो सकती हैं। इस बात का जिक्र तुम घर में करना स्टार्ट करोगे और फिर धीरे धीरे इंडियंस ही अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। अब जो फोर्स बॉर्डर को मजबूत करने के लिए यूज करनी चाहिए थी, फिर वो प्रोटेस्ट कंट्रोल करने में यूज होगी, प्लस सरकार पे एडिशनल प्रेशर बढ़ेगा और वो लोग ऐसे मुश्किल समय में एक इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये छोटी छोटी जीत ही देश को बड़ी जीत लाके देती है। ये भी हो सकता है कि उस टाइम फिर देश दो गुटों में बढ़ जाए, एक जो सरकार का सपोर्ट कर रहे हो और एक जो अगेंस्ट हो, इस वजह से अपने देश में लोग लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यार, एक पर्टिकुलर ऐप जिसके पास इतने लोगों का डाटा है
वो एक वेपन की तरह यूज हो सकती है, पक्का होगी, ये तो श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर शक भी है तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। वो यार अंदर का मैटर है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर सरकार को क्रिटिसाइज करो, देश की और प्रॉब्लम्स हैं उन पर सरकार को क्रिटिसाइज करो, बट इंटरनेशनल मैटर में, फॉरेन अफेयर्स में अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को बैक करो, उनके साथ खड़े रहो। सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, बट अगर चाहते हो कि एक कंट्री की एग्जिस्टेंस बनी रहे तो बचकानी बातें करना छोड़ो। वैसे ही भारी ताकतें देश को तोड़ने में लगी रहती हैं। तुम्हें लगेगा कि क्या एक छोटे से गेम में लड़ाई घुसा दे रहा है, बट ब्रो सच्चाई यही है। खुद रिसर्च करके अवेयर बनो, और क्रिटिसाइज करना ही है तो डेवलपर को करो कि वो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे अपडेट दें कि वो लोगों का डाटा कैसे यूज कर रहे हैं और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो यार इतना काफी है, नहीं तो क्या होगा कि जियोपॉलिटिक्स भी कवर करना स्टार्ट कर दी तूने। नेक्स्ट अपडेट है ईस्पोर्ट्स वाला ओपन लीग से। तो सेमीफाइनल्स ग्रुप ए में टॉप पर रही गॉडलाइक, सेकंड पर रही TWOB एंड थर्ड पोजीशन पर रही टीम आइकॉनिक। इसके अलावा ग्रुप बी में टॉप पर रही द माफियाज, सेकंड पर रही टीम इनसेन एंड थर्ड पोजीशन पर रही है एक्सट्रीम ईस्पोर्ट्स। अगली अपडेट है GXR के हीरोज ऑफ द गैलेक्सी से। तो डे वन के बाद टॉप पर इनसेन ईस्पोर्ट्स, सेकंड पर है हेक्स ईस्पोर्ट्स एंड थर्ड पोजीशन पर है TWOB। अगली अपडेट है स्पोर्ट्स क्रीड़ा स्क्रीम से। तो उसको जीत लिया है हैक्स ईस्पोर्ट्स ने, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। रंबल इन द जंगल में एक्स पे दाव लगाया था, पर कोई नहीं, यहीं जीत गए, बहुत बढ़िया। सेकंड पर रही है ऑपरेक्स ईस्पोर्ट्स एंड थर्ड पोजीशन पर रही है NGX। नेक्स्ट अपडेट है ओल्ड मॉन्क की तरफ से, जिन्होंने न्यू स्टाइल में PVS गेमिंग की पूरी स्क्वाड को उड़ा दिया। Back to foot without using any resurrections, without using any player, और एक अच्छा grenade launcher का usage. Exactly, Yogi circle के damage लेके यहाँ पे shots लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा platform का cover है, ऊपर से वो height में है, तो वो दिक्कत में डाल सकते हैं सामने वाले opponents को, but constantly उनको परेशानी में डाला जा रहा है। Joker को immediately finish off करेंगे, Yogi take down के जा चुके, शाम भी down हो चुके हैं, but एक grenade launcher का shot आएगा, old monk you beauty, what was that उस situation में पूरी टीम को eliminate किया जा चुके। PVS ना लास्ट में राहत की सांस जो दिखा, वो पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता कि उन्होंने ट्राई बहुत किया बट इतना ज्यादा नॉक हो रहे थे कि वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। अभी के लिए फीनिक्स थोड़े बहुत एंड शानदार अपडेट का क्रेडिट जाता है क्लच को ढूंढने के लिए 600 MB खर्च करने वाले अंकित को। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हां पता है इसमें बहुत सारी कोई न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन कुछ खास कल हुआ ही नहीं। चलो मिलेंगे कोई शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। यार ये मुझे तो करा था, मुझे मन आई देर।